कुन्ना आ चुका है यहाँ पे और हम लोग खाने के लिए तैयार है माशाल्लाह से। लाइव कुन्ना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अहमद बिल्कुल ठीक है। आज है जागने की रात 27वीं शब, यानी आज हम 27वीं सहरी करेंगे और 27वीं शब है। 26 एंड हो गया था, आज जागने की रात है, ताक रात है, शब कदर है और अभी हमने सहरी की तैयारी कर ली है, सब कुछ रह लिए। बट रहम सो रही है एंड तकी सो रही है, आज छोटी रहेगी। और अभी मैंने खुद ने चाय चढ़ाई है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर गर्म हो रही है और अभी तैयार नहीं हुई है। मैंने इसको इसी तरीके से क्लोज कर देना है और दूध भी गर्म है, सब कुछ यहाँ पर। रायमर अपना गुड्डा बिल्कुल उल्टा करके रख दिया था जाने से पहले। हम लोग आ गए थे, रायमर की शॉपिंग हो गई थी और उसकी ड्रेस भी पता नहीं कहाँ रखी है, मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। और अभी पानी पी लेते हैं क्योंकि टाइम तो थोड़ा सा है हमारे पास और अभी 3 बज रहे हैं, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे बाकी हैं। तो अभी मैंने सोचा कि पानी पी लेते हैं और फिर जाता हूँ बाहर कोई मेंशन लेने के लिए। पहुँच गया ऑफिस और ऑफिस में पहुँचने के बाद सुबह सुबह का टाइम है और बिल्कुल हर जगह सन्नाटा, हर जगह बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। लोग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं और बाइक वहाँ खड़ी हुई है और यहाँ पे देखें किस तरीके से सन्नाटा है। लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत सुबह का टाइम है, इस वजह से लोग निकले नहीं है बाहर और ये बस जा रही है, बस जाते हुए नज़र आ रही है। बताओ आप, पेट्रोल पे जो 10 रुपए बढ़ा दिया है, ये क्या मतलब क्या है इनका रमजान में? इनका मतलब ये है कि अब ईद आने वाला है, ईद आने वाला है तो आवाम वैसे भी नहीं लेंगे, ले लेगा तो पेट्रोल का जो सवारी है, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो या कुछ भी हो, सही है, कार हो वगैरह, यानी पेट्रोल के जो भी वो हो उसको छोड़ देंगे और नया चप्पलों से काम लेंगे। अच्छा जी, आई समझ, मतलब 11 नंबर गाड़ी में चलेंगे, यानी मतलब ये है कि गाड़ी माड़ी का सिस्टम ही छोड़ देंगे। अच्छा, बिना डीजल पाँव से तो, हाँ। तो दूर से आने वाला बंदा पाँव से कैसे आएगा? तो गाड़ी के पहले निकलेंगे, 1 घंटा पहले निकले, जो फजर में निकल जाए, फजर नहीं, जिसको तो कह रहा हूँ मगरिब से शुरू हो जाए, मगरिब से शुरू, मतलब अफ्तारी करके चले और शहरी में पहुँचे। चलो भाई, ये भी बात ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, आज रोजा कौन सा है? रोजा तो आज 27वां रोजा है, अल्लाह का शुक्र है और इंशाल्लाह 30 पूरा होने वाला है। 30 पूरा होगा, मतलब ईद हफ्ते का है, पक्का है। आगे तो अल्लाह का मर्जी है, मगर ये है कि और ये भी पता नहीं चल जाता है किसी का ईद नसीब होता है या नहीं होता, कौन जिंदा रहता कौन जिंदा नहीं रहता। हाँ, मगर ये है कि अपने उम्मीदों से तो ये है कि आज 27वां रोजा है क्योंकि चांद हमने बड़ी खुशी के साथ देखा है और कल फिर भी उम्मीद है कि वो नजर आ जाए और परसों अगर नहीं आया तो समझ लें कि तरसों हमारा ईद है। बस चलो भाई, हफ्ते की ईद होने वाली है और ईद में आप यहाँ पे सब खुशियाँ मनाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, बहुत कुछ होगा, देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और ईद आने वाली है बहुत जल्दी, सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ओके भाई, देख सकते हो भाई, असलम सुलंगी बिल्कुल बाइक हवा में उड़ाते हुए यहाँ पहुँच चुका है और अभी क्या हाल चाल है, रोड के क्या हालात हैं, क्या मसले मसाइल हैं और पेट्रोल पे जो 10 रुपये बढ़े हैं इसके बारे में क्या हुआ? 10 रुपये बढ़ गए, खैरियत? आज मैं पेट्रोल लगवाया, 10 रुपये बढ़े हैं। भाई असलम सुलंगी हमारे साथ है, अभी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मस्त की नमाज के बाद का वक्त है और मैं मस्जिद में बैठा हूँ, पूरी मस्जिद खाली हो चुकी है और यहाँ पे आज अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया है मस्जिद कुरान के मौके पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल सजाई हुई है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी टेबल है और अभी यहाँ पे दस्तरखान लगेगा और अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम है और ये अफ्तार पार्टी होगी, अफ्तार पार्टी करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या होता है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सब क्या हाल है, खैरियत है, तबीयत ठीक है? अच्छा भाई, आज हो गया रोज़ा कौन सा, पहले फर्स्ट तो ये बताएंगे आप, रोज़ा कौन सा हो रहा है आज, है ना? 28वां रोज़ा हो गया, नहीं 27वां रोज़ा है आज, 27वां रोज़े की आप अफ्तारी कर रहे हैं। अच्छा जी, चांद चांद का क्या कहते हैं आप, कौन सा चांद होगा? चांद 32 का है, 30 का है, चांद 30 का ही है, मुश्तर का फैसला यही है 30 का चांद। पाकिस्तान इस मरतबा सऊदी के साथ जो है रमज़ान के रोज़े रख रहा है और ईद भी सऊदी के साथ। अच्छा, सऊदी के साथ ही ईद होगी, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने सऊदी से ईद मना ली। अच्छा जी, बाद में तो बाद में हो रहा है, पहले बाद में भी मनाया, साथ में मनाई। अच्छा अच्छा, पहले नहीं मनाई तो इस बार भी आपका कहना है पहले नहीं मनाएंगे। जी नाजी, नमाज़ मौजूद है, मौलाना चाहिए और खुद एक
इनामों की दुनिया के बहुत बड़े गाड़ी और हाफिज़ हैं, और आपका इनका चैनल भी है एच आर मेवाती के नाम से, आप कहने के लिए सर्च करें। और सेकेंडली यहाँ पर कान पार्टी के इंतजाम बहुत खूब किस्म से मनाया जा रहा है, पीछे आप देख सकते हैं इंतजाम सज रहे हैं और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, और अब आपको कुछ लम्बे बाद दिखाते हैं कि क्या इंतजाम किए हैं। दस्तरखान सजाया है, ये दादा को इनकी बड़ी मेहनत है पुरानी में, और यहाँ बहुत बड़ा दस्तरखान सजाया हुआ है, अभी बहुत अभी तैयारियाँ बाकी हैं। यहाँ पे दस्तरखान सज रहा है और यहाँ पे टेबल भी लगाई हुई है बूफे, और यहाँ बूफे का इंतज़ाम है, यहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया है, खजूर के डिब्बे भी हैं, और आज इफ्तार पार्टी है बनाई टेक्सटाइल की और लाइफ लाइन माशाल्लाह से ये शौकत भाई रखते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और इसका खाना शुरू होने वाला है और खाने में क्या है। कुन्ना आ चुका है यहाँ पे और हम लोग खाने के लिए तैयार है माशाल्लाह से, लाइव कुन्ना। अब हमने कैरी कर लेनी है यहाँ से हैंड बास्केट, और फिर देन अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। भैया ग्राउंड फ्लोर की तरफ अभी जाना है मुझे, और ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या है ये देखना है आइटम, यहाँ पे किचन आइटम है और बहुत सारा कुछ है। हाँ मुझे टी लेनी थी, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि अगर मौजूद है तो मैं टी ले सकता हूँ, आई थिंक ये मौजूद है टपाल। हर चीज़ पर बहुत सारा डिस्काउंट लगा हुआ है। हमारे को साबुन भी कैरी करना है तो साबुन भी कैरी कर लिया, सामान हो गया तो अभी फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, और थोड़ा सामान और रह गया वो भी डालना है। तो पूरे मॉल में काफ़ी रश है, रमज़ान लास्ट है आज, 28वां रोज़ा, और रश बहुत है पूरे मॉल में काफ़ी, और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। कप केक रह गया है, अब कप केक डालता हूँ, और उसके बाद नूडल्स, और उसके बाद देन चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। यहाँ पे हर चीज़ पे 10% डिस्काउंट है, और कप केक और उसकी तरफ चलता हूँ। बैग की भी बहुत वीआईपी कलेक्शन है, और स्टेशनरी का मुकम्मल आइटम मौजूद है। बिल आइमा के लिए भी ब्रश कलेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक मिल जाए। जो हुआ था सिर्फ आइमा का नूडल्स रह गया था, अब नूडल्स भी उठा लेते हैं और यहाँ पे नूडल्स लेके और फिर चलते हैं घर की तरफ। जो हुआ था घर जाने की तैयारियाँ हैं, घर निकल रहे हैं और घर पहुँच गए, बाहर आ गए और हैंड हो गया, सब सामान ले लिया है यहाँ पे, हैंड कैरी कर चुके हैं, और कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था वहाँ पे। अपना बैग दिया हुआ था, बैग लेते हैं और बैग ले रहे हैं और चलते हैं घर की तरफ।